हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 0 to 5। वी आर कवरिंग टुडे लोकस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम शॉर्ट ट्रिक के जरिए करेंगे कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए और पूछे कि वो लोकस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, तब उस केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, आपके पास दो पॉइंट है, Z1 एंड Z2। Z1 और Z2 को भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये इनको आप ये भी बोल सकते हो Z1 और Z2 क्या है, रियल नंबर, क्योंकि एवरी रियल नंबर क्या होंगे, आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। तो देखिए, आर द फिक्स पॉइंट एंड ए पॉइंट CZ मूव्स इन ए प्लेन। ये दो पॉइंट है A और B, ये दोनों फिक्स पॉइंट है, और पॉइंट CZ है वो मूव करता है प्लेन के अंदर, सच दैट। इसमें क्या बोला है, आपके पास जो पॉइंट C है, जो पॉइंट C है आपका, वो प्लेन के अंदर मूव करता है, तो हमें बताना है कि वो किसको रिप्रेजेंट करेगा। जो वो ग्राफ बनाएगा जब C पॉइंट जो है प्लेन में मूव करेगा, तब वो जो ग्राफ बनाएगा तो वो ग्राफ किसका होगा, वो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी वो किसकी होगी, कि सर्कल होगा, इलिप्स होगा, हाइपरबोला होगा, या स्ट्रेट लाइन होगी, या फिर स्क्वायर होगा। तो वो हमें बताना है कि जो उसका जो ग्राफ होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, जो वो ट्रेस बनाता है पॉइंट सी प्लेन के अंदर मूव करते टाइम, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो हमें ये बताना है। तो सबसे पहले फर्स्ट ट्रिक देखते हैं हम। अगर इस टाइप से कोई फंक्शन आपको गिवन है Z-Z1 और Z-Z2, Z1 और Z2 ये दो फिक्स पॉइंट लिए थे हमने, अगर इक्वल टू है KK और K की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 है, K की वैल्यू याद रखना क्या है, नॉट इक्वल टू 1, और यहाँ पे याद रखना Z और Z का कोफिशियंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं होगा तो हम उसको 1 बना लेंगे, ठीक है, कॉमन लेके उसको 1 बना लेंगे। तो देखो, अगर ये K की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 होगी तो ये रिप्रेजेंट करेगा सर्कल को, अगर ये K की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 होगी तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल को। अगर ये K की वैल्यू 1 के इक्वल आ जाती है तो क्या कहेंगे हम, जो ये पॉइंट C है, पॉइंट जो C है आपका, वो लाई करेगा ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पॉइंट AB, जो ये आपके पॉइंट है इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर लाई करेगा ऑन एक्स एक्सिस, या आप इसको ये भी बोल सकते हो स्ट्रेट लाइन ऑन एक्स एक्सिस, स्ट्रेट लाइन ऑन एक्स एक्सिस, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि स्ट्रेट लाइन ऑन K इज इक्वल टू 1 आ गया तो आप बोलोगे स्ट्रेट लाइन होगी ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो देखिए, जो जिस टाइप का भी आपको ऑप्शन मिले आप उसको करेक्ट कर देना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, Z-3 और Z+3 इज इक्वल टू 2 रिप्रेजेंट करेगा किसको, देखो इसी फॉर्म का हो गया, यहाँ पे Z1 ये है और Z2 माइनस का 3 है, Z1 3 है और Z2 माइनस का 3 है, इज इक्वल टू 2, 2 तो हमारे पास क्या होता है, नॉट इक्वल टू 1, जैसे ही हमने देखा ये नॉट इक्वल टू 1 है तो हम क्या बोलेंगे, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा सर्कल को। ये आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन लिए हैं मैंने, जितने भी हैं ये। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है आपका, Z-1 ओवर Z+i इज इक्वल टू 1। मैंने बोला था Z1 और Z2 आपका रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हर एक रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखो, Z-1 ओवर Z+i इज इक्वल टू 1, जैसे ही आपने देखा ये इक्वल टू 1 है, इक्वल टू 1 के लिए आप क्या बोलोगे कि ये लाई करेगा ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर, ये किसके ऊपर लाई करेगा, ऑन एक्स एक्सिस, लाई ऑन एक्स एक्सिस, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द पॉइंट ए बी, ये लाई करेगा ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द पॉइंट ए और बी ऑफ द पॉइंट 1 और माइनस आयोटा, ठीक है, ए और बी पॉइंट क्या है यहाँ पे, 1 और माइनस आयोटा। थर्ड है आपका, Z-1 ओवर 2Z+1 का मोड इक्वल है -4 के, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा। अभी देखो यहाँ पे जेड के साथ क्या है, 2 आ गया, लेकिन हमें तो 1 चाहिए जेड के साथ, तो इस 2 को कॉमन ले लेते हैं, Z-1 अपॉन में यहाँ से 2 कॉमन लोगे आप तो Z+1/2 हुआ इज इक्वल टू -4। इस 2 को मैं इधर ले आती हूँ, क्या बना आपके पास, Z-1 ओवर Z+1/2 इज इक्वल टू -8। अब हम बता सकते हैं कि ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, अब हम बता सकते हैं क्योंकि इसी फॉर्म का आ गया। अब चेक करो K की वैल्यू क्या है, K की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 है, -8 तो नॉट इक्वल टू 1 होता है, जैसे ही आपने देखा ये नॉट इक्वल टू 1 है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा सर्कल को। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट तरीके से इसको सोल्व करोगे, ना कि आप
जेड की जगह पे एक्स प्लस आयोटा वाई लिखोगे और उस पूरे को सोल्व करोगे। ऐसे नहीं करेंगे, वो बहुत लेंथी जाएगा। अगर सिर्फ लोकस पूछा है तो हम क्या करेंगे, इस ट्रिक के जरिए इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप याद रखना, ये लाई ऑन एक्स एक्सिस बोला है मैंने, तो इसका मतलब देखो इसमें क्या बोला है मैंने कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पॉइंट ए एंड बी, यहाँ पे पॉइंट क्या है, वन और माइनस आयोटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ वन एंड माइनस आयोटा ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वन और माइनस आयोटा का, उसके अंदर ये लाई करेगा, लाई ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ वन और माइनस आयोटा ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, जैसे आपकी एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर जब आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते हो तो इस लाइन के ऊपर वो लाई करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मॉडुलस ऑफ जेड माइनस टू और जेड प्लस फोर इज इक्वल टू में फोर किसको रिप्रेजेंट करेगा। तो सबसे पहले आपने देखा इसकी वैल्यू क्या है, 4, जो कि नॉट इक्वल टू 1 है। नॉट इक्वल टू 1 के लिए क्या रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल को। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सर्कल। ऐसे ही सेकंड देखिए, यहाँ पे आपने देखा k की वैल्यू कितनी है, 7। 7 जो है नॉट इक्वल टू 1 होता है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, फिर से सर्कल को। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक के ऊपर कि नेक्स्ट देखते हैं कि कब हम ये रिप्रेजेंट करेगा इलिप्स को और हाइपरबोला को। नेक्स्ट कंसेप्ट है देखिए, मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड टू प्लस जेड माइनस जेड टू, जेड माइनस जेड वन प्लस जेड माइनस जेड टू इज इक्वल टू में के। अगर ये के की वैल्यू नॉट इक्वल टू है, मॉडुलस ऑफ जेड वन माइनस जेड टू, जेड वन में से जेड टू को माइनस किया, उसका मोड निकाला, अगर के नॉट इक्वल टू है तो इलिप्स होगा, के इक्वल है तो हम बोलेंगे जो ये पॉइंट सी है वो लाई करता है उस लाइन के ऊपर जो ज्वाइन करती है ए और बी को, ए और बी को जो लाइन मिला रही है उस लाइन के ऊपर पॉइंट सी क्या करेगा, लाई करेगा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जेड प्लस टू प्लस जेड माइनस टू का मोड इज इक्वल टू 3। यहां से मैं पूछूं जेड वन कितना होगा आपके पास, जेड माइनस जेड वन करते हैं तो माइनस का 2 हो गया जेड वन, जेड टू कितना हो गया आपके पास, 2 हो गया। हमें क्या चेक करना है कि मोड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू के इक्वल है या नहीं है, तो चेक करो, माइनस का 2 इज इक्वल टू में के की वैल्यू कितनी है, 3। क्या 4 इक्वल है 3 के, नहीं है, मतलब जेड वन माइनस जेड टू इक्वल नहीं है के इक्वल नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन देखो आप, z माइनस थ्री प्लस जेड माइनस टू, यहाँ पे z1 कितना है आपके पास, 3, z2 कितना हो गया, 2। अब चेक करना है हमें कि z1 माइनस z2 क्या इक्वल है k की जगह पे क्या है, 1, तो चेक करो, 3 माइनस टू इक्वल है 1 के, यस 1 इक्वल होता है 1 के, मतलब ये कहाँ लाई करेगा, ज्वाइन करेगा लाइन a एंड b को, पॉइंट 3 और 2 को जहां पे ये लाइन ज्वाइन कर रही है उस लाइन के ऊपर ये पॉइंट क्या करेगा, आपका लाई करेगा। ठीक है, याद रखना यहाँ पे प्लस का साइन चलेगा इलिप्स के लिए, यहाँ पे प्लस का साइन चलेगा, और हाइपरबोला की बात करेंगे तो यहाँ पे माइनस का साइन हो जाएगा और पूरा एज इट इज रहेगा। इलिप्स के लिए यहाँ प्लस होगा, हाइपरबोला के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखते हैं हाइपरबोला कब होगा हमारे पास। नेक्स्ट ट्रिक है हमारे पास थर्ड नंबर की, देखिए अभी हमने जो इससे पहले किया है उसमें प्लस का साइन था, यहाँ पे माइनस का साइन है, जब माइनस का साइन आएगा तो हाइपरबोला होगा आपके पास, अगर के नॉट इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड वन माइनस जेड टू होगा, अगर के इक्वल होगा मोड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू के, तो वो जो पॉइंट सी है वो लाई करेगा ऑन रे बी ए, बी से ए के ऊपर जो लाइन जाएगी आपकी उसके अंदर सी पॉइंट लाई करेगा। ठीक है, और फोर्थ ट्रिक है आपके पास, अगर z प्लस जेड बार प्लस जेड माइनस जेड बार का मोड इज इक्वल टू k है, यहाँ पे याद रखना ये z का कॉन्जुगेट और ये भी z का कॉन्जुगेट, एक बार प्लस होता है एक बार माइनस होता है और वो k के इक्वल है, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो स्क्वेयर को रिप्रेजेंट करेगा, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्क्वेयर को। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है अब इसमें, z प्लस थ्री का मोड माइनस जेड माइनस थ्री का मोड इज इक्वल टू 4,
ये किसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे ही माइनस का साइन दिखा आपको, तो माइनस के साइन से ये तो हो गया कि ये हाइपरबोला हो सकता है, इलिप्स तो होगा नहीं। इलिप्स के लिए यहाँ पे प्लस का साइन होना चाहिए, तो हाइपरबोला हो सकता है या फिर वो उस लाइन के ऊपर लाई करेगा, बी ए लाइन के ऊपर। तो देखिए कैसे करेंगे, जेड वन क्या है माइनस का 3, जेड टू क्या है आपके पास 3। हमें चेक करना है कि जेड वन माइनस जेड टू क्या के के इक्वल है या नहीं। के की वैल्यू क्या है आपके पास 4। चेक कीजिए, जेड वन की जगह पे माइनस का 3, जेड टू की जगह पे फिर माइनस का 3, क्या इक्वल है 4 के, क्या 6 इक्वल है 4 के, नहीं 6 और 4 इक्वल नहीं होते। मींस ये जेड वन माइनस जेड टू नॉट इक्वल टू के, नॉट इक्वल टू के आ गया तो हम क्या बोलेंगे, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, हाइपरबोला को, हाइपरबोला को। नेक्स्ट देखिए, z प्लस z कॉन्जुगेट प्लस z माइनस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 9। तो जैसे ही आपने देखा यहाँ पे z कॉन्जुगेट और यहाँ पे माइनस का z कॉन्जुगेट, तो आप क्या बोलोगे, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्क्वेयर को। तो ये है आपकी शॉर्ट ट्रिक्स जिसके जरिए आप लोकस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देख सकते हैं कि किसको रिप्रेजेंट करता है, वो सर्कल को, हाइपरबोला को, इलिप्स को या फिर स्क्वेयर को। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।